ओकरा से पूछी है कि विकास सिंह के हां वो खुदे बता दी कि पहला हो हमारा। ये डिंपल को खेसारी के बातों का जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए फिर वही वाली बात आएगी, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भूखे हजार। हमारा घेवड़ा फरक ना पड़ेला, मंच पे गए नहीं कि वो उसको नंगा कर रहा है, वो उसको नंगा कर रहा है, ये कलाकारी है, इसको आप कलाकारी कहते हैं? दावा ठोक के कहता नहीं कि मरियो जो है तो उधर घर में सोहर रहा हो। यादव और राजपूत जातिवाद बहुत बुरी तरह ये लोग कौन कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आखिरी आखिरी तक कुछ नहीं बोलूं, चुप रहूं, लेकिन हम क्या लगता है कि चुप रह दिया सारा। ये बताइए कि आप पवन सिंह के सिर्फ राजपूत लोग ही फैन एंड फॉलोअर्स हैं, उनके गाने सिर्फ राजपूत लोग ही सुनते हैं, क्या बाकी के जात के लोग नहीं सुनते हैं? भोजपुरी एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे एक दूसरे के टांग खींचने पे सब लगे रहते हैं। पवन खेसारी को देख लीजिए, इन दोनों में हमेशा विवाद चलते रहता है। एक तरफ खेसारी लाल यादव है और एक तरफ पवन सिंह है। कभी वो बोल देते हैं कि ये बच्चा है तो कोई बूढ़ा बोल देता है, और ऐसा हो गया है कि अब खेसारी जो है पवन सिंह को नामर्द बोल दी है। वहाँ पे एक लड़की होती है, हीरोइन होती है, उसका नाम डिंपल सिंह होता है, पवन सिंह के साथ रहती है, वो स्टेज पे उनको भी नहीं छोड़े हो। अभी मेरे साथ वीना वानवी जी है जो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती है, खासकर बिहार में जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं उसके लिए आवाज़ उठाती है। मैम, खेसारी पवन का विवाद चल रहा है, उसमें एक लड़की एंट्री कर ली है, उनका नाम डिंपल सिंह है, उनका इंसल्ट किया गया है खेसारी लाल यादव के द्वारा, इस पे शायद आपने वीडियो देखा होगा, क्या सोचती हैं आप? देख, सोचना क्या है, ये तो हमारी समाज की कुरीतियां हैं। जो जब भी कुछ नहीं मिलता है मुद्दा, तो बीच में अगर कोई महिला है तो उसको टारगेट बना लो। तो ये चीज मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया है। अभी कुछ दिन पहले दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, एक बिजनेसमैन और एक नेता के बीच में, कुछ ना मिला तो मुझे टारगेट बना दिया। तो ये होता है, इसी तरह खेसारी और पवन जी में अगर कुछ हो रहा है और उस बीच में अगर डिंपल आ गई तो वो करंट में अभी वही है ना, इसलिए वो मुद्दा बनेगा ही बनेगा। लेकिन ये बहुत गलत बात है खेसारी को किसी भी महिला के लिए, उन्होंने अपना किरदार ही स्टार्ट किया था, अपना डांस वांस एक्टिंग फैक्टिंग महिला का किरदार, क्या पता नहीं अब तो मतलब कलाकारी पे ऐसा शब्द आता है, ये लोग क्या गंद मचा के रखे हैं दोनों। तो नहीं, महिला का अपमान इनको नहीं करना चाहिए, गलत है ये। आपने बोला गंद मचा के रखे, क्या गंद मचा के रखे? गंद ये मचा के रखे हैं ये लोग कि यादव और राजपूत जातिवाद बहुत बुरी तरह ये लोग कर रहे हैं। कौन कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है हम, और कर कौन रहा है? जनता बेवकूफ बन रही है इसमें। आप ये बताइए कि आप पवन सिंह के सिर्फ राजपूत लोग ही फैन एंड फॉलोअर्स हैं, उनके गाने सिर्फ राजपूत लोग ही सुनते हैं, क्या बाकी के जात के लोग नहीं सुनते हैं? तो जब पवन सिंह कहीं काम जाते हैं, या तो अपने टीआरपी के लिए खुद करवाएं या खेसारी करवाएं, दंगा तो हो ही रहा है और काफी दिनों से। पहले खेसारी लाल यादव ने ही बोला था कि अब बूढ़े हो चुके हैं, उसके बाद पवन सिंह ने बोला, अब खेसारी ने बोला। हमेशा ऐसा देखा गया है कि पहले जो है खेसारी के द्वारा ही चालू किया जाता है, ऐसा क्या? खेसारी तो देखिए सूखा पत्ता तो कड़कड़ाता है, ठीक है। जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है, ये होता है, कमजोर होता है, जब उनको ये लगता है कि अब हम फेलियर हो रहे हैं लाइफ में, तो थोड़ा कड़कड़ाहट आ जाती है। आपको लगता है खेसारी फेलियर हो रहे हैं? देखिए, हम ये जानते हैं एक बुद्धिजीवी होने के लिए कि दोनों आज के डेट में जो है अपनी कलाकारी से हट के जो काम वो कर रहे हैं वो एक फेलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। एक अच्छा जो सिंगर होगा ना, वो इन सब पछड़बाजी में पड़ता ही नहीं। मंच पे गए नहीं कि वो उसको नंगा कर रहा है, वो उसको नंगा कर रहा है, ये कलाकारी है, इसको आप कलाकारी कहते हैं? अरे भाई, आप दोनों का क्या है? आप दोनों बंद कमरे में एक दूसरे को गलिया लो, फोन करके माँ बहन कर लो, जो करना है कर लो। ये भरे मंच पे करके या तो आपके पास काम नहीं है, टीआरपी लेते हो, या आप दंगा फैलाते हो, दोनों में एक ही बात हो सकती है ना। तो करते क्या हो आप लोग आजकल? अच्छा, कलाकार का काम होता है कला दिखाना, एक सिंगर का काम होता है गाना गाना, जातिवाद कहां तक सही है? एक खुले स्टेज पे किसी महिला का इंसल्ट कर देना, ये कहां सही है? ये बिहार है इसलिए जातिवाद हो रहा है, खासकर महिला के करेक्टर पे सवाल उठाया गया है। महिला के कैरेक्टर पर सवाल उठाया गया तो ये कोई नई बात इस धरती पे नहीं हो रही है, कोई अनर्थ नहीं हो गया है यहाँ प्राचीन। बढ़ावा भी तो कौन दे रहे हैं? जो भोजपुरी के महानायक, महानायक भोजपुरी के हैं, तो ये महिला पे के कैरेक्टर पे उंगली उठाना एक कमजोर व्यक्ति उठाता है। जब उसको कुछ नहीं मिलता है जीवन में तो वो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाता है। एक पुरुष के जीवन में कुछ जब नहीं मिलेगा तो कैरेक्टर पे उंगली उठाएगा, और कुछ नहीं मिलेगा तो कभी अच्छे पल बिताए होंगे तो कहेगा, फोटो वायरल कर देंगे। तो ये पुरुष की यही ताकत है आज के डेट में, ठीक है। और वो महिला बेचारी क्या करती है कि उसके पास कुछ नहीं रहता, या तो वो चुप बैठ जाती। तो उसी तरह डिंपल के पास आज के डेट में चुप बैठने के अलावा कुछ नहीं है। वो क्या सोचेगी? अगर वो जवाब दे रही है तो वो गलत कर रही है, हाँ बिल्कुल गलत कर रही है। डिंपल को खेसारी के बातों का जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए फिर वही वाली बात आएगी, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भूखे हजार। तो अब मैं इतने चलती हूँ, मैं अपने ऊपर लेके बोलती हूँ कि मैं दिन रात में कम से कम 50 गालियां खाती हूँ समाज से, तो मैं सबको जवाब देते चलूँ? बकते रहो जिसको बकना है, मेरा अपना जीवन, हम ऐसे ही चलेंगे। तो उसी तरह मैं सभी महिलाओं को बोलती हूँ, कोई भी अगर आपको जीवन में गलत बोलता है तो आप उसके पीछे ध्यान ना दो, अपना कर्म करो। पवन और खेसारी क्या है? वो जनप्रतिनिधि हो गए हैं, वो समाज उनको आइडियल मानता है, समाज उनको देखता है, उनको सुनता है, उनके अच्छे गानों को जनता अप्रिशिएट करे, बुरे गाने को काट दे।
लेकिन आज एक जनप्रतिनिधि होके, एक कलाकार होके जब आप खड़े होते हो तो लाखों लोग आपको देखते हैं, जो आप बोलते हो उसको अपने अंदर वो उतारते हैं, तो आप समाज को क्या दे रहे हो? यही मारा पीटी और गुंडागर्दी, ये देखे दोनों ही गलत कर रहे हैं, दोनों को एकदम स्टॉप करना चाहिए इन चीजों को। कहीं ना कहीं जनता जो है हुटिंग करती है, जब खेसारी लाल यादव पवन सिंह को नामर्द कहे वहां पे हुटिंग हुई, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं खेसारी खेसारी करने लगे, इसमें जो जनता है वो तो कहीं ना कहीं अहम रोल निभा रही है। जनता का तो काम है निभाना, बहुत लोग कुछ गलत आपके जीवन में होगा ना तो आपको भड़काने वाले बहुत लोग मिलेंगे, जनता का तो काम है, बहुत लोग अच्छे मिलेंगे, तो जनता ने मुझे भड़काया और मैं उनके भड़कने में भड़क गई, तो कहां से मैं बुद्धिजीवी हो गई? जनता बोल रही है बोलने दीजिए, आप अपने मुंह से क्यों बोल रहे हो ये बात, आपको तो शोभा नहीं दे रहा। तो इनके स्टेज में ईटा पत्थर भी चलने लगे, तो जिस दिन माथा कपार फूट के एक दो को मरेगा, दोनों को जेल में उठा के डालना चाहिए। आपके प्रोग्राम में दंगा होता है, आप जाते ही हाथ जोड़ के विनती क्यों नहीं करते हो कि कृपया यहाँ दंगा ना करें, अगर करेंगे तो हम मन से उतर के चले जाएंगे। भाई मेरा इज्जत रखना, मेरा लाज रखना, हिम्मत है कोई जनता पत्थर चला देगा? तो ये लोग इंतजार तो खुद करते हैं कि पत्थर चले तो हमारा टीआरपी मिले। अलग अलग सबका नशा है आज के डेट में टीआरपी का, क्या किया जाए? कहीं ना कहीं इस सब के बीच में जो जनता है वो बेवकूफ बनती है, और कहीं ना कहीं कलाकार नहीं अब जाति के ठेकेदार हो गए। भरे मंच पे कभी आप किसी महिला को लेके, अक्षरा को लेके कुछ बोल रहे हो, कभी डिंपल को लेके कुछ बोल रहे हो, ये सब बोलने का अधिकार आपको किसने दे दिया? कल को आप नचाते हो अपने साथ, आज कभी ना कभी डिंपल खेसारी के साथ तो एक्शन भी ले सकती है ना एक महिला होने के नाते। बिल्कुल, अगर डिंपल चाहेंगी इस बात को और महिला विकास मंच में हमारे पास आ जाएगा उनका कंप्लेन, तो हम एक्शन ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? लेकिन बिना कंप्लेन का तो नहीं ले सकते ना। कहीं ना कहीं डिंपल को आगे निकलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनको हेल्प मांगना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने गलत बोला है और उनके चरित्र पे बात उठाई है तो उनको माफी मांगना पड़ेगा खेसारी को, और मांगना चाहिए। अरे बहन है आपकी, बहन नहीं दोस्त ही मान लेते हैं, दो मिनट है तो आपको अपने ऐसे में खेसारी लाल यादव पवन सिंह को क्या नसीहत देना चाहती है? दोनों भाई को एक नसीहत, कैमरा की तरफ फेस करके मैं बोल रही हूँ, आप लोग खूब कलाकारी कीजिए, अच्छे अच्छे गाने गाइए, जीवन में खूब आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, लेकिन जातिवाद मत कीजिए। जातिवाद करके आप अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, किसी और को डैमेज नहीं कर रहे हैं। और आपके इस जातिवाद में अगर दंगा बढ़ते गया बिहार में, तो एक वक्त ऐसा आएगा मारकाट मचेगा, और जितने भी उसमें तोड़फोड़ हुई या चोट लगी या कुछ भी मिसहैपनिंग हुई, इसके दोषी सिर्फ आप दोनों होंगे और दूसरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल।